हेलो गाइस, अभी मैं निकल रहा हूँ इको पार्क। एंड इको पार्क यहीं आसपास ही है एंड वो बहुत अच्छा जगह है। जैसे पूरा आपके ये के पास में है, पूरा एक बड़ा लेक है वहाँ पे। यार 4x4 R15 में चिपका के क्या साबित करना चाहते हैं, इसमें तो चक्का भी दो ही है। जो भी हो, तो अभी हमने निकल रहे हैं इको पार्क में। एंड इको पार्क में आज वीकेंड एकदम बैठेंगे, उधर आराम करेंगे मस्त। बहुत बड़ा जगह है इको पार्क, जो यहाँ का सॉल्ट लेक एरिया है ना, वो इको पार्क का जो लेक बना हुआ है ना, वो लेक का जो वहाँ से ही मिट्टी निकाल के मतलब फिलअप किया गया, तब जाके वो नया न्यू टाउन और आपका सॉल्ट लेक बना है कोलकाता का। तो अभी चलते हैं उधर, मज़ा आएगा बहुत। अरे यार ब्रेकिंग बहुत मस्त है, बस आपको संभालने आना चाहिए। एंड शाम का टाइम हो भी गया, ठंडा का दिन है, थोड़ा जल्दी ही शाम हो जाता है। लाइट लाइट में पहुंच जाए तो वहाँ बहुत चीज़ों का रेप्लिका है एंड अच्छा जगह है। अभी हम लोग सॉल्टेक वाले रास्ते से निकल जाएंगे। स्पीड ब्रेकर, बम्पर्स, इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है KTM ड्यूक 200 का। यहाँ पे देखिए जाम इतना लगता है ना, ये यहाँ ब्रिज बना है तब से। अरे इधर से भी गाड़ी है भाई, ओवरटेक भी नहीं कर सकते। ये कैनल है ही इतना भरा हुआ, उसके बाद भी इसमें एक्सकावेटर लगा लगा के इसको और चौड़ा किया है। आगे हम लोग ये ब्रिज पहले नहीं बना था ना, तो न्यू टाउन जाने के लिए थोड़ा बहुत घूम के जाना पड़ता था। अभी तो ये सॉल्ट लेक से आराम से, ये सॉल्ट लेक से पूरा कनेक्टेड है। अभी सॉल्ट लेक वाला ही रास्ता अच्छा है, उधर से जाएंगे ना मार्केट वगैरह तरफ से तो ज़्यादा पड़ जाएगा। अरे यार स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा बड़ा दिया है ना, ज़रूरत भी है ऑब्वियसली भीड़ के टाइम। अरे कार वगैरह ना खुद जाते हैं सही से कम दे तो दिया करो निकलने का जगह। और यहाँ पे आ गए हम लोग इधर नाका की तरफ, इधर चेक पोस्ट वगैरह है, कभी कभी पुलिस रोकते हैं। बट ये मैं देखा हूँ GoPro वगैरह देख के ज़्यादा पुलिस उतना परेशान नहीं करते, क्योंकि देखो वैसा इलीगल कुछ तो काम कर नहीं रहे ना, सब कुछ तो है जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे, अब यहाँ से सीधे निकलेंगे न्यू टाउन की तरफ। अभी हम लोग सॉल्टेक में ही है, यहाँ से सीधे। सामने सेक्टर 5 है पूरा। ये हजार्ड लाइट क्यों इधर जलाया है भाई, रुकना है क्या? नहीं, यहाँ कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। एकदम खाली रास्ता मिलते ही अपने पूरे निकलते रहे। और ये इधर का इंडिकेटर दिखाता है फिर भी साइड में। अरे भाई जगह तो छोड़, एक इंडिकेटर दिखा रहा है। हमको यहाँ मुड़ना नहीं है, हमको जाना है सीधे। सिग्नल खुला हुआ है, गियर यस,
सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशन ये देखिए सामने, एंड हमको इधर जाना है एंड ये खुला हुआ है, अभी चलते हैं पूरा न्यू टाउन की तरफ। पूरा सजाया हुआ देखिए, पूरा अच्छा से पेंटिंग वगैरह पूरा किया हुआ। ये देखिए विश्व बांग्ला गेट का पेंटिंग चल रहा है, मतलब विश्व बांग्ला गेट के जैसा ड्राइंग कर रहे हैं वो लोग। विश्व बांग्ला गेट भी आपको आगे मिलेगा, न्यू टाउन ही तो जा रहे हैं। पूरा एकदम कोलकाता देख लीजिए और कोलकाता का सॉल्ट लेक एरिया देख लीजिए, अलग है। न्यू टाउन ये सब क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना है। और कोलकाता तो एकदम ब्रिटिश टाइम का है, तो उतना कुछ वैसा नहीं है सजाया हुआ, बट हाँ वो भी है, अपना सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो मैं आप लोग को सारा ही हर तरफ का वीडियो दिखाता हूँ, इधर ही मेरा ऑफिस भी है, तो कोलकाता उधर का कोलकाता सारा कोलकाता दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो नया नया देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अभी सिग्नल खुला ही मिल गया एकदम मस्त पूरा, ये इधर टेक्नोपोलिस की तरफ आ गए। अभी कंस्ट्रक्शन फेज चल ही रहा है, ये मेट्रो का काम पूरा नहीं हुआ है ना। प्रोजेक्ट तो कम दिन का होता है, पर पता नहीं ये लोग प्रोजेक्ट को टांगते रहते हैं पूरा लंबा। अभी एक ब्रिज आएगा, वो ब्रिज पार करेंगे बस न्यू टाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया सामने ये ब्रिज, पूरा सिग्नल खुला हुआ है इसीलिए पूरा निकलो, पुलिस भी हाथ दिखा रहा है मस्त एकदम। हाँ भाई निकल रहे हैं, देखो ना तुम एकदम आ गया ब्रिज, ये ब्रिज पार करते ही पूरा न्यू टाउन। न्यूटन का कुछ फुल फॉर्म भी है और क्या कुछ कोलकाता है सब कुछ। देखिए अब हम पार कर रहे हैं पूरा न्यूटाउन एरिया घुस रहे हैं अभी। अब न्यूटाउन का देखिएगा उधर का बस स्टैंड वगैरह सब कुछ एकदम पूरा अलग अलग, पूरा बिल्डिंग वगैरह पूरा सजाया हुआ। एंड ये सब ब्रिजेस है ना, पूरा लाइटिंग मस्त लगा देते हैं पूरा दीपावली में न्यू ईयर में। ये देखिए अब हम ऑफिशियली, देखिए राजाराट न्यू टाउन ब्रांच लिखा है क्योंकि ये रास्ता राजाराट भी जाता है न्यू टाउन भी जाता है, ठीक है। वो विश्व बांग्ला गेट से टर्निंग है राजाराट का और न्यू टाउन का। देखिए पूरा एकदम मस्त बस स्टैंड इधर का देखिए एकदम, ये देखिए इधर का बस स्टैंड। पूरा सजाता है, पूरा सजाया है न्यू टाउन लाइब्रेरी। हैप्पी आवर्स वर्किंग पॉड, इधर ज़्यादातर ऑफिस वगैरह ही है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है वो थोड़ा आगे से है। पूरा सिग्नल खुला ही खुला मिलेगा लगता है अभी पूरा। अरे सिग्नल खुला है फिर भी इधर जाम कर रहे हैं, वो टर्निंग वगैरह ले रहे हैं ना इसीलिए। इसको तो मुड़ना नहीं है ना, इंडिकेटर नहीं मारा है, उनको सीधे जाना है भाई, सीधे जाना है। तो इधर भी पूरा बन रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन फेज में है ना, सिग्नल खुला हुआ है जल्दी पार हो जाते हैं। पार हो गए एकदम मस्त। ये देखिए एकदम सजाया हुआ है पूरा, ग्रीनरी भी है इधर खाली जगह में। आगे सिग्नल है क्या, नहीं आगे वो ब्रिज है, ब्रिज के एक तरफ एक्सिस मॉल है दूसरे तरफ है सेंट्रल मॉल। ये देखिए यहाँ से नज़ारा और मस्त लगेगा। और आगे दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है कि पता नहीं, आगे दिख रहा है हमारा विश्व बांग्ला गेट जो नया में बना है। देखिए सेंट्रल मॉल, इधर अभी मेला लगा हुआ था, पूरा कचरा फैला दिया है सब सिटी स्क्वायर। ये देखिए वो पंछी लोग, यहाँ भी एक छोटा सा क्लॉक टावर है जो मैं लंदन टावर बोलता रहता हूँ, वो दूसरी जगह पे है। एंड इधर है एक्सिस मॉल, ठीक है। तो ये सब भी घूमने का मस्त जगह है यहाँ पे। और सामने देखिए बिल्डिंग्स वगैरह, होटल इधर में है एक्सिस मॉल ये वाला साइड में। एंड
यहाँ पे सिग्नल है, बिल्डिंग्स वगैरह, ये पता नहीं इसको क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है, शायद पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ कि अबैंडन कर दिया क्या किस लिए, या वो पीछे वाला है वैसा बनेगा, ऐसा कुछ है। सिग्नल खुल भी गया एकदम, देखिए बिल्डिंग पता नहीं काई लग रहा है बिल्डिंग सब में। बिल्डिंग तो अच्छा खासा ही है, पता नहीं इसके लिए कुछ शायद कंप्लीशन बाकी है, उसी के लिए रोका होगा और कोई काम के लिए तो नहीं। और सामने हम लोग का देख पा रहे हैं विश्व बांग्ला गेट, लेकिन हम लोग को टर्निंग लेना है इको पार्क की तरफ। चलिए पहले विश्व बांग्ला गेट के पास तो पहुँचे, फिर जाके इको गेट के पास, सॉरी इको पार्क की तरफ मुड़ेंगे। और इको पार्क के पास में बहुत कुछ है, जैसे आपका वो जो वैक्स म्यूज़ियम नया है वो है, फिर जाके आपका क्या बोलते हैं एयरपोर्ट या ऐसे ही कुछ, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम ऐसा कुछ है, ठीक है, तो सब देखेंगे। ये देखिए विश्व बांग्ला गेट 500 meters। इधर अगर खाना वगैरह खाना है तो पहले भी आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड आप यहाँ पे आके भी बुक कर सकते हैं। मिनिमम 500 का आपको खाना ही होगा, शायद बुफेट रहता है, मैं भी अभी तक गया नहीं हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ लिखा है एयरपोर्ट इको पार्क एक्शन एरिया 3, तो हमको इको पार्क की तरफ ही जाना है, मुड़ना है। मेला ग्राउंड, यहाँ भी मेला लगता है, इधर मुड़ना है। ये देखिए आ गया विश्व बांग्ला गेट। अरे भाई हमको भी मुड़ना है, सिर्फ तुमको ही नहीं। ये देखिए विश्व बांग्ला गेट एकदम, इधर रेसिडेंशियल सब ज़्यादातर है, और ये है विश्व बांग्ला गेट। इधर बुकिंग काउंटर वगैरह सब है, हिडको भवन। इधर मैं कॉलेज के टाइम में आया था, बहुत प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं ना इसके लिए। ये देखिए इधर पूरा, इधर उधर से घुस रहे हैं। ये हटे तो इसको ओवरटेक करके आगे जाऊँ, ओवरटेक करने का ज़रूरत नहीं है, साइड हो गया अपने, एकदम मस्त चलते हैं, एकदम पूरा मस्त फीलिंग। बिल्डिंग वगैरह सब मस्त लग रहा है, इको पार्क, वैक्स म्यूजियम एंड एयरपोर्ट सीधे है, तो हमको सीधे नहीं जाना है, इको पार्क की तरफ जाना है ना, तो इको पार्क के लिए शायद मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे टर्निंग का है, टर्निंग का है या इधर ही से जाएंगे समझ नहीं आ रहा है, शायद यहाँ से मुड़ जाते हैं। थोड़ा यहाँ पूछ लेंगे तो सही है, नीचे से चलते हैं देखते हैं क्या है, ऊपर से ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इधर ही से चलते हैं इको पार्क। इधर से अलग बना हुआ है, खाली है ना, वो बिजी रूट है। इधर का बिल्डिंग्स वगैरह देखिए, थोड़ा ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड है और खाली जगह है, मेन बात अभी बन रहा है ना। ये देखिए बिल्डिंग्स देखिए, सामने के दो बिल्डिंग्स क्या मस्त लग रहे हैं। इधर शायद मेट्रो स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है लगता है, ठीक है। इधर भी सब मेट्रो स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो दिल्ली की तरह अलग अलग बेल्ट जैसे रहते हैं अलग अलग कलर के, वैसे बन जाएंगे। क्या हम वन वे में तो नहीं आ गए, इको पार्क, फाइनेंशियल हब, इको स्पेस म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम। नहीं सही जा रहे हैं हम लोग एकदम, पूरा सिग्नल वगैरह भी खुला हुआ है। अब देखना पड़ेगा वहाँ पे बाइक पार्किंग का है कि नहीं। ये क्या है, इको पार्क सीधे है पर सब रुके हुए क्यों हैं?
अच्छा ये रामकृष्ण मिशन विवेक तीर्थ, मतलब रामकृष्ण मिशन का कुछ है ऑर्गेनाइजेशन का। हमको भी तो सीधे जाना है, हम क्यों रुके हैं। ये लोग क्या है ना, जो लाइन है उससे आगे आगे हैं तो कंफ्यूज कर दे रहे हैं। उसे चक्कर में रुक गया था और लगता है अब आगे से इको पार्क स्टार्ट होने वाला है। इधर येलो लाइट दिया है, अच्छा अभी रुक जाना है। अभी सिग्नल बंद है, यार इधर अच्छा इको पार्क का गेट नंबर 1 यही है। यहाँ पे रुके कैसे, नो पार्किंग है, पार्किंग कहाँ मिलेगा। अच्छा यही इको पार्क है, पार्किंग कहाँ है इसका। पार्किंग है अंदर, पार्किंग है ना, पार्किंग होगा अंदर। हाँ ये देखिए पेंट वगैरह कर रही है, तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट वगैरह ही पेंट कर दे रहे हैं इधर का कोई आर्ट वगैरह का। वो देखिए सनसेट टाइम में, पता नहीं कैमरा में कैसा दिख रहा है, सामने से तो एकदम मस्त दिख रहा है। एंड वो देखिए जो पेरिस का एफिल टावर है उसका रेप्लिका। हाँ इधर ही पार्किंग है, कहाँ पार्क करना है वो बस देखना है। पार्किंग, पार्किंग उसके अंदर था क्या, फ्री पार्किंग तो यहाँ लिखा है। पार्किंग उसके बाइक छिल और भीतर है, इधर अच्छा बना के रखे हैं मोनेस्ट्री वगैरह जैसा। फी पार्किंग लिखा तो है, पार्किंग इसके अंदर है। यहाँ पे पार्किंग है, बाइक पार्किंग वगैरह सब है। अच्छा इधर बाइक पार्किंग बहुत अच्छे तरीके से है, इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे सामने ही रख देते हैं, एफजेड के सामने। बाइक कलेक्शन देखिए उधर, MT-15 वाला है, मस्त लग रहा है। ठीक है यहाँ पे तो 1000 कंपैरिजन वीडियो भी बना सकते हैं। बाइक्स का लाइन लगा हुआ है, ये MT-15 पे ये सीट का कुशनिंग अलग से किया है, ये लगता है मस्त लग रहा है। और ये मेरा KTM Duke 200, ठीक है मेरे को ये दोनों बाइक्स में लेना था और ये बाइक में भी लेना था, यार गजब है।